चलिए, अभी जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अब ये अपन देखते हैं कितने नीचे से चालू करते हैं। तो इसमें जैसे ये पूछा था हमसे कि हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला है C8H18 और इसका मोनोक्लोरीनेशन करवाने पर सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है, इसका मतलब क्या है? तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड में सारे ही हाइड्रोजन जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, ताकि कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ बनने वाला प्रोडक्ट क्या बने? सेम ही बने। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ यही होता है। ठीक है, ना क्या हो जाएगा? इट इज 2-2-3-3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, है ना? ये वाला जो कंपाउंड रहेगा, इस कंपाउंड में ये कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाओ, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। समझ आ गई बात? ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनता है ना? अब इसके बाद फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कौन सी चीज बोली कि NBH से जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनते हैं? यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरोआइसोमर्स, वो हमको बताने हैं। NBH क्या पढ़ा था अपन ने? क्या करवाता है? दैट कॉजेज दैट अलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, तो अलाइल कार्बन इसमें ये भी 3 डिग्री और ये अलाइल कार्बन कौन सा? दैट इज 2 डिग्री। ठीक है, अब अलाइल रेडिकल जब यहाँ बनेगा, नहीं बनाया हुआ अपन ने अलाइल रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस से क्या हो जाएगा? रेडिकल कैरेक्टर इस कार्बन पर भी आ जाता है। समझ आती बात ये, है ना? क्या बोले हमने? तो रेजोनेंस की वजह से रेडिकल कैरेक्टर इस कार्बन पर भी आ जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी। ब्रोमीन जब यहाँ जुड़ रहा है तो ये कार्बन कैसा है? हमने बोला है प्लेनर है, तो इस पर बी आर आगे से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी, वो ये कार्बन काइरल बन जाएगा। तो हम बोलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग हमको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एंड सिमिलरली यहाँ भी कार्बन कैसा हो रहा है? दैट इज काइरल। तो हम बोलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग भी हमको क्या मिल जाते हैं? 2 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। समझ आ गई बात? ही तो हम बोलेंगे 3 डिग्री पर जो रेडिकल बना उसके रेजोनेंस में होने की वजह से क्या हो जाएगा? 2 प्रोडक्ट यहाँ और 2 प्रोडक्ट इसके करस्पॉन्डिंग मिलते हैं। ठीक है, फिर कौन सा ये 2 डिग्री है? तो हम बोलेंगे 2 डिग्री में यहाँ पर रेडिकल बना, अब यहाँ पर भी क्या हो सकता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी ना कौन सी वाली चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे बी आर आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है। ठीक है, ये कार्बन जो है ये क्या था? दिस वॉज, तो हम बोलेंगे इस पर CH3 लगाए, इधर CH2, इधर ये, तो ये कार्बन कैसा था? दिस वॉज काइरल। तो हम बोलेंगे ये पहले से काइरल था और ये नया काइरल हो रहा है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये रेजोनेंस यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ आने के बाद भी क्या ये कार्बन पहले से काइरल है? ये नया काइरल हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या मिल जाएंगे? 2 डायस्टीरोमर्स। ठीक है, तो टोटल जो प्रोडक्ट्स हमको मिले यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे? दीज आर 8 in number। समझ आ गई बात? ये टोटल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर कितने हो जाएंगे? दैट इज 8 हो जाते हैं। क्लियर होगी बात अच्छे से ये? ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो हम देखेंगे वो कौन सा रहेगा? ये कंपाउंड इसका NBH से ट्रीटमेंट किया, तो ये वाला कार्बन के साथ जैसे अलाइलिक, तो यहाँ पर रेडिकल बनाया हमने, बट ये रेडिकल क्या है? रेजोनेंस में है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस की वजह से कौन सी चीज हुई? तो हमने बोला ऑड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर भी गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पर बी आर जोड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पर जब बी आर जोड़ता है तो क्या हो जाएगा? दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं ये किस में रहते हैं? दे आर इन कॉन्जुगेशन। समझ आ गई बात? ये तो इस वजह से इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, बट ये एक पूछा है तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें दोनों पाई बॉन्ड्स किस में थे? दे आर इन कॉन्जुगेशन। समझ आ गई बात? ये ठीक है, इसको जब हम देखेंगे तो NCS1 इक्विवेलेंट बोला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 डिग्री कार्बन था, 1 डिग्री, तो यहाँ वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो NCS से क्लोरीन यहाँ आएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे भी डिग्री तो 2 है, बट अब क्लोरीन का क्या भी लग रहा है? माइनस आए, इसलिए अगली बार NBH से जब ब्रोमीन आएगा तो वो कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर, तो बी बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। समझ आ गई बात? ये इससे बी ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था नहीं? क्या है? दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, इस पर फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन से ये बन सकता है प्रोडक्ट, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और ये और ये वाले प्रोडक्ट्स कैसे? दीज आर ऑब्टेंड इन रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म, लेकिन हमको यहाँ स्पेसिफाई किया है कि सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करनी है हमको, स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड हमको बात करनी है, तो बस कैलकुलेशन सिंपल है। इस प्रोडक्ट के बनने के फेवरेबल चांसेस क्या हो जाएंगे? इट इज 1 in 3, तो क्या हो जाएगा ये 3, इसकी क्या हो जाएंगे? 2 डिग्री, तो 2 in 3.8, इसके कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री, तो 1 in 5,
ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री दीज आर सेम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 हाइड्रोजन है तो 1 × 6, इन सब को हम सम कर देंगे तो टोटल क्या आ गया, दैट इज 21.6। और 21.6 क्या होता है, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड के मोनोक्लोरीनेशन के टोटल फेवरेबल चांसेस, ठीक है। अब क्या किया, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इससे क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं इससे हमको इन सब की इंडिविजुअल थेरेटिकल यील्ड मिल जाएगी, है ना। अब यहाँ सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, दैट इज ऑफ 2 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान देनी है, नोट लगा के जो लिखनी रहेगी वो कौन सी, कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन के टाइम पर, है ना, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोडक्ट किसके थ्रू मिल जाए, मोस्ट स्टेबल रेडिकल, है ना। सबसे स्टेबल रेडिकल तो 3 डिग्री था, बट हमने क्या बोला था कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, दैट इज क्वाइट नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे इस वजह से ऐसा होता है, इनकी जैसे यील्ड भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। और इस केस में क्या हो गया, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या मिल रहा है, इन सब से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इन नोट लगा के लिखने, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन में, है ना, हमेशा हमको वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिले जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा था, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। जैसा कि यहाँ है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, दैट इज 2 डिग्री, समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू नोट, है ना। तो मैंने 2 बार 3 बार बोला है, इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है।